हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय बुनून यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपका बीसीसी का जो फॉर्म अप्लाई किए थे, बीसीसी 12th स्टूडेंट, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, रेड कलर में आ रहा है एडमिट कार्ड ऑफ बीसीसी 2021 इज नाउ अवेलेबल। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डाउनलोड करके भी आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे कैसे डाउनलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आप वीडियो को पूरा देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें कि जो भी स्टूडेंट अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बीसीसी का जो ऑफिशियल साइट है, बिहार कम्बाइंड इंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, बीसीसी का जो ऑफिशियल साइट है, इस पे आ चुके हैं। और कल के डेट में जो है, हम एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि नोटिस आया था एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो उस वीडियो को भी आई होप आप लोग देखे होंगे। तो एडमिट कार्ड आ चुका है, 12 बजे ही आ गया है, लेकिन यहाँ पे 2:30 बज रहा है अभी। तो देखिए यहाँ पे इसका जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस साइट पर आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ही क्लिक करेंगे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसी 2021। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एंड इम्पोर्टेंट लिंक्स रिलेटेड टू बीसीसी। ठीक है, आपके यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है कि एडमिट कार्ड ऑफ बीसीसी 2021 इज नो अवेलेबल। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ बीसीसी 2021। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे आप लोग। क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह के पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, और नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड DOB। ठीक है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये खुल जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट डालना है पहले, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। यहाँ पे दोनों जब फिल कर देंगे तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं है किसी स्टूडेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पूछा कि सेंड कर दीजिए, लेकिन वो सेंड नहीं किए हैं अभी तक। तो कोई बात नहीं, तो आप लोग बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग का सेंटर कहाँ दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस तारीख को एग्ज़ाम है ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आपके एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम जैसे कि नोटिफिकेशन जो इसका आया था कल, यहाँ पे आपका 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का 9 अक्टूबर को भी होंगे, कुछ स्टूडेंट का 10 अक्टूबर को भी होगा, यानी 2 दिन एग्ज़ाम है यहाँ पे, सैटरडे और संडे को एग्ज़ाम है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसका एडमिट कार्ड में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया है, यानी आपके नाम में या माता पिता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ तरह के मिस्टेक हो गया है या कैटेगरी डालने में, तो आप लोग क्या कीजिए, अगर मिस्टेक हो गया है तो आपको लास्ट मौका दिया जाएगा यहाँ पे करेक्शन करने का। इसके बाद अगर आप चाहेंगे फिर कि हम करेक्शन कर लें तो फिर आपका नहीं होगा, और अगर गलत पाया जाएगा तो आपका हो सकता है कि आगे चल के कंडीचर कैंसिल भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का एडमिट कार्ड में मिलते साथ ही आपको चेक करना है कि किसी तरह का उसमें नाम वगैरह या पता में कुछ चीज़ का तो मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आप बीसीसी बोर्ड जो हवाई अड्डा पटना है, यहाँ पे 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में 11 बजे से 5 बजे, शाम 5 बजे तक आ करके ऑफलाइन के माध्यम से इसको करेक्ट करवा सकते हैं। वहाँ पे बस एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और इसका एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी चाहिए सारा कुछ, तो वहाँ पे देंगे तो आपका जो भी, अगर कैटेगरी में मिस्टेक है तो वहाँ पे वो सही हो जाएगा, या नाम में मिस्टेक है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एडमिट कार्ड में अगर किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग सही करवा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आज हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।